हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी आपके क्वेश्चंस आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 45 टेस्ट खत्म कर चुके, ये आपका 46वां टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए 46वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल की में उनकी पिछुड़ता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी पिछुड़ता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। आर्गन, आर्गन के बाद फिर आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आएगा हीलियम और फिर हाइड्रोजन। 1, 4, 2, 3 इस तरह से घटते क्रम में रहेगा। वायुमंडल गैस जलवाष्प एवं धूल कणों से बना हुआ है। जो आपका वायुमंडल है, एक गैस जलवाष्प धूल कणों से बना हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कितनी? 90 किलोमीटर। वायुमंडल में बताएं हम लोग आप, तो इसमें नाइट्रोजन N2 78.8%, ऑक्सीजन आपकी 20.95%, ऑर्गन आर्गन आपकी 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 0.036%, नियोन 0.002%, फिर इसमें हीलियम है 0.0005%, केटो है इसमें, जीनोन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन चार को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। समतापमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। बिल्कुल गलत है। झोप सीमा के ऊपर पाया जाता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये आपका बिल्कुल गलत है। तो दूसरा, दोनों क्वेश्चन इसमें आपके गलत हैं। झोप मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, या ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ही वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, तो सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? झोप मंडल। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। झोप मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है आपकी। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। इसमें आपके दोनों कथन गलत थे, क्योंकि पूछ के आ रहा था उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं। आप लोग हमेशा याद रखिए, चाहे वो परीक्षा हो, फिर चाहे आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें आप लोग एक पॉइंट जरूर पढ़ लिया करिए बड़े अच्छे से। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दोनों कथन सही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पूछता कि सही है, तो इसमें होता ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, तो इस तरह इसे बड़े मन से पढ़ लिया करिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस इसी से गलत होते हैं। आप लोगों के आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्यातप की तीव्रता को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्यातप की तीव्रता को प्रभावित करते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य
सूर्य की किरणों का नति कोण, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, ये चारों ही आपके सूर्यातप की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका चारों यानी कि डी ऑप्शन। बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की। वायुमंडल के तापन और शीतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु के क्षेत्र संचलन के कारण होने वाले ताप स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। बिल्कुल सही है। जब भूमि के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं तो इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। ये भी आपका सही है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों के दौरान चलने वाली स्थानीय पवनें लू चालन का ही परिणाम है। ये आपका गलत है। क्या है ये आपका गलत है। चार में आपका एक दो सही है, तीसरा कथन गलत है। तीसरे कथन में आखिर सही क्या होगा तो आपको याद रखना है मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में विशेषता उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। ठीक है तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही था एक और दो। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। सामान्य ह्रास दर और तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो उसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। बिल्कुल गलत है। सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। ये आपका सही है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में व्युत्क्रमण की उत्पत्ति वायु अपवाह के कारण होती है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच में आपका दो और तीन कथन सही है लेकिन पहला कथन गलत है क्योंकि सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्या है सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है इसी प्रक्रिया को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो पांच में आपका बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होने का कारण है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मेघाच्छादन अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है तो इसमें आपका पहला ही एक कथन सही है। छठवें क्वेश्चन में आपका पहला कथन सही है। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती। सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह के नजदीक क्षैतिज हवाओं को प्रभावित करते हैं। दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें आपके चारों होंगे। क्वेश्चन नंबर सात में आपके चारों होंगे यानी कि डी ऑप्शन होगा। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। यह पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उनकी मूल दिशा से
दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। ये भी आपका सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। ये भी आपका सही है। यह दाब प्रवणता पर लंबवत कार्य करता है। प्रवणता पर लंबवत कार्य करता है। ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके चारों कथन सही होंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। वर्ष 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया, जिसका नाम इस बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। 8 में आपका चारों कथन सही है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। लॉरेंटियन प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉरेंटियन जलवायु वेटिस्तुल्य जलवायु एवं टेगा जलवायु के मध्य स्थित होती है। बिल्कुल सही है आपका। यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ये भी आपका सही है। दोनों कथन आपके सही होंगे। क्या होंगे? दोनों कथन सही होंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की। क्या है 10वां क्वेश्चन हमारा? एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान लेती हैं, तो इसे एल नीनो कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। दक्षिणी दोलन बदलाव एवं एल नीनो की संयुक्त घटना है, जो ENSO के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दोनों कथन गलत है। क्या है? दोनों कथन गलत है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट को और प्रवाहित होती हैं, पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेते हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। ठीक है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों की संयुक्त घटना को इंसो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था और ना ही दो। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल है? बेहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 सेल्सियस से अधिक हो। बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर, ये भी आपका सही है। पवनों से पहले से मौजूद मजबूत निम्न दाब क्षेत्र, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें में आपके 1, 2, 3 कथन सही है और 14 कथन गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होती है। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। बेहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का प्रभाव होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना, समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण आदि। तो 11 में आपका सी होगा। 1, 2, 3। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। विभिन्न प्रकार के बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चाव मेघों का निर्माण कम ऊंचाई पर होता है, गलत है। स्तरी मेघ सामान्यता या
तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आस आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ये आपका सही है। वर्षा में एक सूर्य की किरणों के लिए अत्यधिक अपारदर्शी है। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 2 और 3 कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। जैसा कि पक्षा मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन। क्या 13? इस प्रकार की जलवायु पूरी तरह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तरी और 45 डिग्री दक्षिण के बीच एक तक सीमित होती है। इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण पवन पट्टियों का स्थानांतरण है। इस जलवायु का सबसे विकसित रूप मध्य चिली में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु की पहचान कीजिए। तो ये जलवायु आपकी भूमध्यरेखीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरेशिया में इन्हें स्टेपी कहा जाता है। यह पूर्व की ओर काले सागर के किनारे से अल्ताई पर्वत की तलहटी तक विस्तृत है। सही है। इस प्रकार की जलवायु के घास मैदान लगभग वृक्षविहीन होते हैं। ऐसी पूर्वी पवन पट्टी में स्थित होने के कारण होता है। ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन सही हो। स्टेपी जलवायु, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या फिर समशीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के अंदरूनी भाग में पाई जाने वाली जलवायु एक प्रकार की जलवायु है। यद्यपि ये वेस्टरलीज पछुआ पवनों की पट्टी में स्थित होते हैं, किंतु ये यहाँ महाद्वीपीयता के कारण वृक्षरहित घास के मैदान पाए जाते हैं। बात करते हैं 16-15 क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी गर्म स्थानीय पवनें हैं जो नीचे दी गई हैं? इनमें से देखना है कि कौन गर्म स्थानीय पवनें हैं। चिनूक है आपकी, फॉरेन भी है, सिराको है और बोरा नहीं है। इसमें क्या हुआ? फोर्थ इसमें गलत होगा, 1, 2, 3 सही होंगे। गर्म स्थानीय पवनों की बात करें तो इसमें आपकी आती हैं चिनूक, हरमट्टन, होहेन, सिराको, नॉर्वेस्टर, ब्रेकफील्डर, खमसिन, सांता, लू। ठीक है, और ठंडी स्थानीय पवनों की बात करें तो मिस्टल, बोरा, नॉर्थर्स, ब्लिजार्ड, पोरगा, लेवेंटर, पेम्परो, वाइस आदि। ठीक है, तो इसमें आपका 1, 2, 3 सही होगा। बात करते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर द्वारा संकलित उपयोग योग्य भूजल संग्रहण के प्रथम अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा जहां 689 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है में भूजल का स्तर उच्चतम था। सही है। भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है जो वैश्विक रूप से कुल भूजल के लगभग 1/4 भाग का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। सतत विकास लक्ष्य 6 जल के स्थायी प्रबंधन के लिए से संबंधित है। ये आपका सही है। ये आपको सतत विकास लक्ष्य जो आपके 17 है इन्हें आपको याद कर लेना है। पिछले टेस्ट में हम लोगों ने इन्हें 17 को देखा था अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्हें भी याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके 3 कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा।
बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सही यही नहीं। यह वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों की मात्रा निर्धारित करता है और वैश्विक वित्तीय बैंकों की निगरानी करने वाली केंद्रीय बैंकों, नीति निर्माताओं की अन्य लोगों की सिफारिश भी जारी करता है। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, एक कथन इसमें सही नहीं है। बार बार मैं दोहराता आया हूँ और फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको इस पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछ रहा है? अगर नहीं पूछता कि सही नहीं है तो सही नहीं है पूछ रहा है तो केवल एक है, अगर पूछता कि सही है तो केवल दो होता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। और जो आपकी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, ये आपका IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, जो कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों और उभरते बाजार वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन करती है। यह प्रतिवर्ष 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाती है। ठीक है, अप्रैल और अक्टूबर में। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, क्लाउड हनी पोर्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह साइबर हमलावरों की संभावित लक्ष्यों की नकल करने की एक प्रणाली है। सही है, इनका उपयोग हमलावरों को फंसाने के लिए किया जाता है, जिसमें हमलावर को लगता है कि उसके नेटवर्क में प्रवेश कर लिया है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन की, अप्रैल 2019 में जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई। सही है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 और 2019 के बीच भारत की आबादी में वृद्धि चीन की वार्षिक वृद्धि दर के दोगुने से अधिक हुई है। ये भी सही है, वर्ष 2019 में भारत ने 65 वर्ष की जीवन प्रत्याशा दर्ज की है। ये आपका गलत है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो तीसरा कथन इसमें सही नहीं है। अगर पूछता कि सही है तो इसमें एक और दो कथन सही थे। तो फिर से बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक दो सही है और तीसरा आपका गलत है, क्योंकि भारत ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार दर्ज किया है। वर्ष 1969 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 47 वर्ष और वर्ष 1994 में यह 60 वर्ष थी, जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 69, कितनी, 69, 69 वर्ष हो गई है। तो इसमें केवल आपका तीसरा कथन गलत था, सी ऑप्शन। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विशेष अवकाश याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। बिल्कुल गलत है, SLP विशेष अवकाश याचिका केवल उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये भी आपका गलत है, दोनों कथन आपके गलत है। SLP दायर करने की समय सीमा है, या उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायालय के खिलाफ निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है, या उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, या 60 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है। SLP को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भारतीय क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या डिक्री या आदेश के खिलाफ दायर की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ना तो आपका एक सही था और ना ही दो।
बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर पीवी फोटोवोल्टिक सेल में ऐसे अवशिष्ट होते हैं जिनका भौतिक पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से निष्कर्षण किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। सौर सेल के उचित निपटान की पद्धति ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2019 के तहत शामिल की गई, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपके दोनों कथन गलत हैं। सही क्या होंगे वो सुन लीजिए। सौर मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक्स के समान सिलिकन, टेट्राक्लोराइड, कैडमियम, सेलेनियम और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सहित कुछ खतरनाक पदार्थ होते हैं। इसे भौतिक निष्कर्षण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। सौर सेल के उचित निपटान की पद्धति ई प्रबंधन प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 21 में आपके दोनों कथन गलत थे। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से देश बंदरगाह विहीन है? निम्नलिखित में से कौन से देश बंदरगाह विहीन है? चाड और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, लेकिन सूडान नहीं है। ठीक, तो इसमें एक और दो है, यानी कि ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 22 में आपका ए है। याद रखना है आपको कि इस तरह की जो भी आपकी पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन हमारा 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल्ट कुरुक्षेत्र वर्ष 2019 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था। गलत है। यह सिम्बैक्स की का ही नया रूप है जो भारत सिंगापुर के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके दोनों कथन गलत है। याद रखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र वर्ष 2019 में भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित एक थल सैनिक, कौन सा थल सैनिक अभ्यास था, याद रखना है, थल सैनिक। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक नौसेना अभ्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दोनों कथन गलत थे। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला अत्याधुनिक रियलिटी सेंटर स्थापित किया है? तो आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल है। विदेशी मुद्रा अस्थियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार FDR, IMF में आरक्षित स्थिति, चारों सही हैं। इसमें क्या है? चारों सही हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है।